स्टार्ट कर दो। अब देखो यहाँ पर केमिकल बाउंड्री को आपका ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। हाँ पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, ओनली टू आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर, ओनली टू आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल। अब देखो यहाँ पर आंसर क्या होगा बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दो पॉसिबल क्लोरो डेरिवेटिव आपको वो एक्सक्लूडिंग करना है स्टीरियो आइसोमर, ठीक है ना। अब देखो एन ब्यूटेन अब देखो यहाँ पर CH3, CH2, CH2, CH3 तरीका समझना कैसे ना हमको डील करना है। यहाँ पर क्या जाएगा CH3, CH2, CH, CH3, CH, सॉरी 2-2 डाइमिथाइल पेंटेन है CH3, CH3। अब देखो यहाँ पर CH2, CH3 आपके ओनली दो ही बने, दो आइसोमर, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आपको कौन सा हटाने के लिए बोल दिया, कौन सा हटाने के लिए बोल दिया आपको कौन सा वाला हटाने के लिए बोल दिया बेटा, यहाँ पर आपको कौन सा वाला हटाने के लिए बोला है, स्टीरियो हटाने के लिए बोला है। ये आपका बेंजीन है और आपका डी नियोपेंटेन, ये हो गया आपका नियोपेंटेन, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर कितनी जगह क्लोरीन लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल, यहाँ पर इस तरफ क्लोरीन लगाएंगे, इस तरफ क्लोरीन लगाएंगे स्ट्रक्चरल में, तो दोनों का नाम अलग अलग हो जाएगा, कितने बनेंगे टोटल, दो बनेंगे। इससे क्या बनेंगे बेटा, Cl, CH2, 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 CH3, और अगले से क्या बनेंगे CH3, CH, Cl, CH2, CH3, दो बन गए। इससे कितने बनेंगे, एक बार यहाँ लग जाएगा ये वाला हाइड्रोजन सेम टाइप का ही है ना, तो कहीं पर भी लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा एक यहाँ पर लग जाएगा, तो 1, 1, 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितने बनेंगे बेटा आपके 3। यहाँ पर एक बार यहाँ लग जाएगा और एक ही बार लगेगा, सब सेम ही है, तो यहाँ पर एक ही बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, टोटल कितना आएगा एक, क्योंकि सेम ही है ना सारे, सब जगह से कंपाउंड देखिए तो सेम है, तो दो किस में आ रहा है बेटा, पहले ऑप्शन में, समझ में आ गया, पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। अगला जेड कॉन्फ़िगरेशन, तो जेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी से देख लेते हैं, जेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जेड का मतलब क्या होता है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप आपका सेम साइड आपका प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये कैसे होगा बेटा सेम साइड प्रेजेंट, जल्दी बताओ तरीका क्या है आपका, नहीं आपको देखना है इसमें एक केस से हम देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू, और अगर किसी ऑप्शन में डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। देखो C3H7 यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर ये, इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा, इन दोनों में, तो ये सेम साइड है, इसको क्या बोलेंगे, क्लियर हो गया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है आ गया तुमको समझ में। क्वेश्चन नंबर 28 कैसे होगा बेटा बताओ, एल्केन एग्जिस्ट इज ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एल्कीन का ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे कब पॉसिबल होगा, इसी कंडीशन में पॉसिबल होगा, कितने कार्बन वाला है, चार कार्बन एटम, एक कार्बन में तो होगा ही नहीं, दो एक कार्बन में तो एल्कीन ही नहीं बनेगा, दो कार्बन में बनेगा तो दो कार्बन वाला ये वाला है, दो कार्बन में क्या GI होगा, क्या तीन कार्बन में GI होगा, सोच के देखो, तो कितने कार्बन में होगा, चार कार्बन में आपका GI पॉसिबल है, यहाँ पर GI नहीं होगा, यहाँ पर भी GI आपका नहीं होगा, समझ में आ गया तुम लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो GI, तो GI की कंडीशन क्या क्या बोलो सब,
रोटेशन हिंडर्ड हो वो होना होना चाहिए, और कार्बन पर जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन ग्रुप क्या होने होने चाहिए बेटा, डिफरेंट आपके होने होने चाहिए, ये सब समझ में आ गया, और उसके बाद सेम प्लेन पर होने चाहिए। तो जो आपका जीआई शो नहीं करेगा वो ने उसके लिए क्या देखेंगे, रोटेशन हिंडर्ड नहीं है, हिंडर्ड नहीं है। अब देखो इसमें चारों, इसमें ए बी सी तीनों ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी तीनों ऑप्शन में यहाँ पर हमको दिया हुआ है रोटेशन क्या है बेटा, यहाँ पर हिंडर्ड है, रोटेशन क्या है बेटा यहाँ पर हिंडर्ड है। अब देखो रोटेशन हिंडर्ड है, अब यहाँ पर रोटेशन हिंडर्ड है तीनों ऑप्शन में। अब उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, रोटेशन आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमिलर किस में नहीं है, तो बी ऑप्शन में देखोगे तो बी ऑप्शन में एक कार्बन से जुड़ने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटा, दोनों सिमिलर है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, क्या ये जी आई शो करेगा, दिस कैन नॉट शो जी आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड। अब देखो 23, 30 मैलिक एसिड, ठीक है हाँ, तो यहाँ पर मैलिक एसिड आपका क्या होता है बेटा, मैलिक एसिड आपका होता है सी डबल ओ एच, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी डबल ओ एच, सी एच डबल बोन सी एच सी डबल ओ एच। अगर ये आपका सिस में होगा तो क्या होगा, मैलिक होगा, सिस में होगा तो क्या होगा, मैलिक होगा, तो सिस में बना लो, सिस में होगा तो मैलिक होगा, और अगर ये ट्रांस में होगा तो क्या होगा, फ्यूमेरिक। आपको ऐसा क्वेश्चन जीओसी में कराया था मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, याद आया, और तुम्हारे डीके सिंह में भी था हाँ, ये ट्रांस में होगा तो क्या होगा बेटा, फ्यूमेरिक, तो सी डबल ओ एच सी डबल बॉन्ड सी सी डबल ओ एच, यहाँ पर एच यहाँ पर एच, अब बोलो जल्दी से क्या होगा, अब क्या पूछा है हमको, फ्यूमेरिक और मैलिक बना लिया, अब दोनों कौन से आइसोमर है, सिस और ट्रांस, ठीक है आपको देखो कॉन्फ़िगरेशनल है, सिस और ट्रांस आर कॉन्फ़िगरेशन टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोमर्स। नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर में जी आई भी आता है और ओ आई भी आता है, ठीक है। फोर्थ ई जेड है, हाँ ई जेड भी है, क्या ये ऑप्टिकल है, ऑप्टिकली नहीं है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं, इसमें क्या है, मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, स्लाइस प्लेनर है ना, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट आपका कौन सा बेटा, 31 क्वेश्चन, क्लियर हो गया कंसेप्ट, अरे 31 क्वेश्चन क्या बोला है बेटा हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ठीक है कौन सा आपका सिस और ट्रांस आइसोमर शो नहीं करेगा, ये बताओ जी आई कौन शो नहीं करता, जिसके पास है ना रोटेशन हिंडर्ड ना हो, और रोटेशन हिंडर्ड किस में नहीं होता, एल्केन में नहीं होगा ना, तो पहला ऑप्शन देखोगे तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, ब्यूटेन का मतलब इसके अंदर एल्केन होगा, ठीक है ब्यूटेनोइक एसिड मतलब यहाँ पर सारे के सारे कौन से बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से, तो नाम पर थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ब्यूटेनोइक का समझ लो, सी डबल ओ एच, यहाँ पर आपका CH2 कौन नहीं शो करेगा बेटा आपका, यही नहीं शो करेगा ब्यूटेनोइक एसिड, समझ में आ गया। अगला 32 क्या बोला है बेटा, 32 में ये आपको ध्यान होना चाहिए नाम, ठीक है ना, डाइऑक्साइम, ये थोड़ा ध्यान रखो अभी से, ये आगे भी आएगा तुम्हारा, बेंजल्डिहाइड डाइऑक्साइम, सबसे पहले बेंजल्डिहाइड बना लेता हूँ, ये है बेटा, देखो यहाँ पर ये H होगा, यहाँ पर ये आपका लोन पेयर होगा, क्या ये रोटेशन हिंडर्ड है, तो क्या ये आपका GI शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्या ये आपका कायरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये आपका कायरल भी है, तो ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा, उसके बाद क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर भी शो करेगा, तो क्या शो नहीं करेगा, समझ में आ गया, अब
मैंने आपको एक चीज़ लिखाया था ना, कंपाउंड जो विदाउट सी स्टार होते हैं, अगर उसके अंदर POS और COS नहीं होगा तो वो क्या होगा, कायरल होगा, और कायरल होगा तो वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट। 32 के बाद 33 में क्या आ जाएगा बेटा, 33 में बहुत आएगा, 33 में क्या आएगा बेटा, बहुत आएगा। ये आपका ट्रांस भी है और ये आपका क्या है बेटा, अब देख लेते हैं, ये ज़्यादा आपका, ये ज़्यादा, तो ये जेड भी है और क्या है बेटा, ट्रांस भी है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 के बाद 34 हाउ मेनी कन्फर्मर्स। बेटा हम रोटेट करेंगे तो बहुत सारे कन्फर्मर्स बनेंगे, तो इसमें ध्यान रखना इथेन में क्या बनता है, इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू बनेगी। कैसे, देखो ये क्या हो गया फ्रंट कार्बन, और ये क्या हो गया आपका रेयर कार्बन। ठीक है, अब मैं घुमाता रहूँगा तो इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू आएगी ना, हर एंगल जीरो पर घुमाया तो ये जीरो पर आ गया, एक पर घुमाया तो एक पर आ गया, दो पर घुमाया तो दो पर आ गया, तो कितने वैल्यू आएंगे, इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो यहाँ पर इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना तुमको। अगला देखो बेटा 35, मैंने तुमको बताया था स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। अब बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, स्टेगर की सबसे ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी, ठीक है, उसके बाद किसकी होती है, इसक्यू की, इसक्यू वाला किस में देखते हैं हम, इथेन में 30 डिग्री बना के इसमें देखते हैं कि किस में नहीं देखते, प्रोपेन में देखते हैं, इसक्यू वाला देखो प्रोपेन में आएगा ये आपका, कहाँ का ही आपका प्रोपेन का क्वेश्चन है, तो इसक्यू सबसे ज़्यादा, उसके बाद कौन आता है एक्लिप्स्ड, ठीक है, ये आपका किसका ऑर्डर है स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर को अगर तुम लोग उल्टा कर दोगे जस्ट तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, हाँ। अब देखो 36 में आपको पता है कि हमेशा कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, चेयर के बाद ट्विस्ट बोट, चेयर के बाद आपका ट्विस्ट बोट के बाद बोट के बाद आपका हाफ चेयर। समझ में आ गया तुम लोगों को, अब यहाँ से निकाल सकते हो। अगला व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल वाला होगा वो आपका स्टेबल होगा, ठीक है, तो कौन सा होगा बेटा आपका, परसेंटेज एक्लिप्स्ड आपका बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन था 37 का, क्या आ जाएगा बेटा आपका ए। अगला कौन सा है बेटा, इफ ऑप्टिकल रोटेशन इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है, अगर बेटा अब समझो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, कॉमन सेंस वाला था, किस किस का सही निकला, सही निकला कॉमन सेंस लगाना था इसमें, तो अब देखो CLH और ये आपका CLH और ये CH3 मीजो है, अब देखो हाँ ये आपका क्या है बेटा, इसमें आपका मीजो आएगा, अब देखो इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा आप निकालो, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, फोर्थ को नीचे ले जाओगे तो सेकंड यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट यहाँ आ जाएगा तो थर्ड यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा आपका एस हो जाएगा, और ये कौन सा हुआ बेटा आपका, ये भी आपका एस हुआ, ठीक है। इसका रोटेशन कितना है बेटा, ये आपका 36 डिग्री है, 36 डिग्री ना प्लस, अब इसमें क्या होगा बेटा, ये CL है, ये H है, ये H है और ये CL है, CH3 है और ये CH3 है, ये क्या है ऑप्टिकल इनएक्टिव होने की वजह से क्या होगा बेटा इसका, क्या ये रोटेट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट को तो ये आपका सीधा ही रखेगा ना, तो PPL को रिजोल्व नहीं करेगा, PPL को रिजोल्व नहीं करेगा, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, समझ में आ गया। अगला कौन सा था बेटा आपका, कौन सा कंपाउंड आपका एनेंशियोमर की तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा, सबसे पहले बात है एनेंशियोमर कौन एग्जिस्ट करेगा, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर होगा, जिसमें कायरल सेंटर होगा, तो आप देख सकते हो पहले में आपका कैन नॉट एग्जिस्ट पूछा है, तो ए ऑप्शन में आपका 39 के ए ऑप्शन में आपका क्या है बेटा, यहाँ पर कायरल सेंटर है तो ये आपका एनेंशियोमर शो करेगा, CH3 CH2 CH CH3 C2H5, यहाँ पर भी आपका कायरल सेंटर है तो यहाँ पर एनेंशियोमर है, C6H5 CH2
CS3 यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है, तो ये आपका एनेंशियोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपका एनेंशियोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला देखो बेटा, मीजोटार्ट्रिक एसिड। मीजोटार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला, मीजो बोला है ना, मीजो बोला है तो मतलब दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, इसका मतलब ऐसा होगा 40। मीजोटार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे COOH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, ये मीजो हो गया, सिमेट्रिकल है। मीजोटार्ट्रिक एसिड क्या कंटेन करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्या होगा, 41। 41 का क्या है बेटा, यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन से हैं, तो इसमें सी ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो बेटा सी ऑप्शन आपका कायरल सेंटर है, सी ऑप्शन आपका कायरल सेंटर है बेटा, तो सी ऑप्शन में कायरल सेंटर होगा, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल मॉलिक्यूल आर दोज विच आर क्या, हाँ, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, जिसमें सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा वो आपका अकायरल होगा, मीजो होगा, ठीक है जी, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। समझ में आ गया, मतलब आपका 42 तो थियरी बेस था, क्या था आंसर इसका, बी। अब बोलो अगला, डीएल ऑफ एन ऑप्टिकल कंपाउंड इज डिफर बाय, बेटा डीएल कैसे, स्पेसिफिक रोटेशन, मतलब सीधी सी बात है थीटा से डिपेंड करेगा। अगला क्या है बेटा, टार्ट्रिक एसिड आर बिकॉज, अब देखो 44 मेरे से पूछा है कि यहाँ पर डी लिखा है, प्लस लिखा है और टार्ट्रिक एसिड लिखा है, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड लिखा है, तो ये तो मेरा एक्सपेरिमेंटली डराइव्ड होता है, मैंने बताया था ये मेरा एक्सपेरिमेंटली निकालता हूँ मैं, प्लस माइनस का साइन मैं कैसे निकालता हूँ, एक्सपेरिमेंटली, तो ये तो मेरा एक्सपेरिमेंटली निकलेगा ऑप्टिकल, किसको बताएगा ये आपके, थीटा को बताएगा, किसको बताएगा ये आपके, थीटा को। और डी आपका किससे रिलेटेड होगा, GLY से, ग्रिसरेल्डी हाइट से, तो डी और एल किसकी वजह से आता है, ग्रिसरेल्डी हाइट के, रेफरेंस मॉलिक्यूल, तो ये वाला ध्यान रखो, कॉपी में है, तू नहीं था ना उस दिन, डी और एल मैंने लिखवाया था शायद से, तो होता तो तुझे ये वाला क्वेश्चन वो आ जाता। अगला देख लेते 45, आज इन्हें थियोरी लिख लेना और पूछ लेना मुझसे इससे रिलेटेड टर्म, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर 45 क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, यहाँ पर C3H8, अब क्या करेंगे बेटा, कैन हैव, अब देखो यहाँ पर अगर बेटा 6 एल्डिहाइड हुए, 4 कीटोन हुए, इसका मतलब DOU कितना होगा, 10, और फिफ्थ में बी ऑप्शन में 8। अब हम ऑप्शन वाइज चलते हैं, DOU 10, बी में 8, सी में कितना होगा, 7, सी में 7, और डी में कितना होगा, 7, ठीक है। अब देखो डी हो या बी हो उसमें अभी पता पड़ जाएगा, अब इसका कंपाउंड निकालो, अब कंपाउंड का DOU निकालो, ओ को इग्नोर करेंगे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन हैव, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, DOU से रिलेटेड नहीं है, ये आपको बोला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपके क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एल्डिहाइड तो आपका टर्मिनल पर लगेगा, कितने एल्डिहाइड बना सकते हो इससे कितने एल्डिहाइड बना सकते हो, 5 टाइप के बना सकते हो, और अगर कीटोन बनाना हो तो बीच में ही बनेगा, तो कीटोन ओनली कितने बनेंगे बेटा, 3 बनेंगे, एल्डिहाइड कितने बन सकते हैं, 5 टाइप के। समझ में आ गया, ऐसा है क्वेश्चन ये। 46 में क्या बोला है बेटा आपको, CH3CH OH CH, ये कायरल सेंटर है जहाँ जहाँ मैंने बनाया, अब ये कायरल सेंटर क्या करेगा, अब देखो या तो दोनों आर होंगे, सिमेट्रिकल नहीं है, या तो दोनों एक आर होगा एक एस होगा, एक एस होगा एक आर होगा, या तो दोनों एस होगा, तो कितने आ गए टोटल, ठीक है। 47 में क्या होगा बेटा, 47 में क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH,
सिंगल बोन सी एच डबल बोन सी एच सिंगल बोन सी एच डबल बोन सी एच सी एच टू सी एच डबल बोन सी एच टू। आप देखो रोटेशन हिंडर्ड ये दोनों जी आई आपके शो कर सकते हैं, सारे के सारे शो कर सकते हैं बोला है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है इसलिए ये आपका जी आई शो नहीं करेगा और ये भी आपका जी आई शो नहीं करेगा। बचे कितने, दो दो। क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं है ना। अब ये अनसिमेट्रिकल होगा तो एक बार दोनों सिस होंगे, एक बार सिस ट्रांस होंगे, एक बार ट्रांस सिस होंगे, एक बार ट्रांस ट्रांस होंगे, टोटल कितने हो गए? तुमने ऐसे ही बना के किया था क्या? आ गया अब? इजी था कि टफ था? अब देखो अगला कितना इजी पड़ रहा है इसे। अब देखो यहाँ पर आपका 47 हो गया। बेटा इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम्हारी कॉपी से ज़्यादा टफ क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो मेरे अपने क्वेश्चन है जो मैं करा दिया था ना तुमको, वो मेरे अपने क्वेश्चन है खुद के बनाए हुए। आगे देखो 48 सी एच थ्री सी एच डबल बोन सी एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालते हैं बोलो। सबसे पहले क्या करेंगे, जी आई निकालेंगे। जी आई क्या होगा, इसका एक सिस होगा, एक इसका ट्रांस होगा। अब सिस की वजह से देखो दो कायरल सेंटर है, तो यहाँ पर एक क्या होगा, सिस आपका इधर होगा, यह होगा सी आर आर सी आर एस सी एस आर सी एस एस, चारों अलग अलग है, अनसिमेट्रिकल है। इसकी वजह से क्या होगा, टी आर आर टी आर एस टी एस आर टी एस एस, कितने हो गए टोटल? अगर अनसिमेट्रिकल होता तो फॉर्मूला क्या लेता है, 2 की पावर 3, इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, अगला कौन सा है क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इनेंशियोमर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आपके कंपाउंड के इनेंशियोमर्स कितने हैं, ठीक है ना, वो निकाल लेना है हमको। देखो इधर, अब देखो यहाँ पर द नंबर ऑफ इनेंशियोमर ऑफ द कंपाउंड। देखो यहाँ पर सी एच थ्री सी एच बी आर, बी आर को नीचे बनाओ, मैंने तुमको बताया था ना ब्रैकेट वाले को कैसे बनाते हैं, सी एच बी आर सी डबल ओ एच। क्या सिमेट्रिकल है? नहीं है। कितने कायरल सेंटर है? तो क्या होगा, 2 की पावर 2, मतलब कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया? हाउ मेनी कायरल आइसोमर कैन बी ड्रोन फ्रॉम, ब्यूटेन बनाओ, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। ठीक है, अब देखो 2 पर क्या बनाओगे बेटा, ब्रोमीन, और यहाँ पर क्या बनाओगे, क्लोरीन। कितने कायरल सेंटर है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? एक बार आर होगा, एक बार आर होगा, एक बार आर होगा, एक बार एस होगा, एक बार एस होगा, एक बार आर होगा, एक बार एस एस होगा, टोटल कितने हो गए? समझ में आ गया आप तुम्हें? पेपर उतना टफ नहीं था।